संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं है तो वो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। और इस संविधान को खतरा आज से नहीं है, जिस दिन से ये संविधान बना है उसी दिन से ये संविधान खतरे में है। क्यों सर? ये तो ऐसे है जैसे कुछ समाज में पैदा होने वाला बच्चा पहले दिन से ही संघर्ष उसके हिस्से में आ जाता है। जिस दिन ये 1950 इसका मतलब भारत का संविधान के लिए एक ही रास्ता है कि या तो भारत के संविधान को बदल जाने दो या इस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कर दो। आगे कहा इसी क्लास में बाबा साहब ने, राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाई लॉ, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई द सोशल एंड मोरल कॉन्शियस। समाधान बात कही, प्रॉब्लम आपके बीच में रख दी। प्रॉब्लम क्या है? आज संविधान खतरे में है। संविधान सुरक्षा का मतलब इंडिकेट करता है कि संविधान खतरे में है। खतरे का कारण है क्या? समझ जाओ भारती जी, उसे बाद में करना, दो मिनट ज्यादा नहीं समय लूंगा। खतरे का कारण है, बिना कारण तो दुनिया में कुछ नहीं है, बुद्ध ने भी कहा। और इस संविधान को खतरा आज से नहीं है, जिस दिन से ये संविधान बना है उसी दिन से ये संविधान खतरे में है। क्यों सर? ये तो ऐसे है जैसे कुछ समाज में पैदा होने वाला बच्चा पहले दिन से ही संघर्ष उसके हिस्से में आ जाता है। जिस दिन ये 1950 26 जनवरी को भारत के संविधान के रूप में पैदा होकर के लागू हुआ, उस दिन से अगले दिन से ही ये खतरे में चला गया, खतरे में चला गया था। और ये बना कैसे आपको मालूम है? अगर अंग्रेजों का इंटरफेयर, अंग्रेजों का हस्तक्षेप आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी अगर अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होता तो भारत में इस संविधान का निर्माण भी नहीं हो पाता। इसकी तो कोर्ट में, मां की कोर्ट में ही उसको संघर्ष मिला। कैसा? ये तो बनते समय ही संघर्ष में चला गया था, और जब ये अस्तित्व में आया, दुनिया में आया, पहली सांस ली, उसी दिन से ये संविधान खतरे से ही जूझ रहा है। और 70 साल इस खतरे को टालता 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 यहां तक तुमको लेकर के आया और ये सचेत करता रहा कि मुझको मानने वाले लोगों, अगर बचा सकते हो तो बचा लो, और नहीं बचा पाए तो इससे अच्छा मौका तुम्हें इस धरती पे कभी जिंदगी में नहीं। ये कैसे खतरे में था, इसके लिए बाबा साहब ने दो लाइन लिखी, बताई संविधान सभा में, संविधान को सत्य रूप भी बताई। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो क्या? ऐसा
कोई भी कानून। कारण क्या है खतरे का यह समझना है। दुख ने कहा दुख है, दुख का कारण है, बिना कारण के कुछ है नहीं। संविधान खतरे में कारण क्या है? बाबा साहब का क्या पता था कि खतरे में रहेगा? इसके लिए बाबा साहब ने कहा, पूरी दुनिया के लिए कहा, ऐसा कोई भी कानून। बैंकी सुनो, बैंकी सुनो, बैंकी आपके काम आएगा चश्मे वाली बैंकी। ऐसा संविधान खतरे में क्यों है? ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी कानून जो उस देश की सामाजिक व्यवस्था का विरोध करता हो, वो कानून ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। जी भाई, ऐसा कोई भी कानून, ये तो कानून का पाप है। उन्होंने कहा ना प्रधान, संविधान का कानून का पाप है, ग्रांड लॉ है। ऐसा कोई भी कानून जो अपने देश की सामाजिक व्यवस्था का विरोध करता है, वो कानून ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। बड़ी गहरी बात है। और भारत देश का संविधान, भारत देश की सामाजिक व्यवस्था का दिन प्रतिदिन विरोध करता है। इसका मतलब भारत का संविधान के लिए एक ही रास्ता है कि या तो भारत के संविधान को बदल जाने दो, या इस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कर दो। आगे कहा इसी क्लास में बाबा साहब ने, राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाई लॉ, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई द सोशल एंड मोरल कॉन्शियस। राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई लॉ, अधिकारों की रक्षा कानून से नहीं होती, दे आर प्रोटेक्टेड बाई द सोशल एंड मोरल कॉन्शियस। सामाजिक और नैतिक चेतना जिस नियम के पक्ष में नहीं होगी, तब तक आप उस कानून की रक्षा, आप उस अधिकार की रक्षा कानून से नहीं कर सकते। कैसे? आपने बताया दहेज लेना और देना अपराध है, लेकिन दहेज दिया भी जाता है और दहेज दिया भी, क्योंकि वह समाज तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ आपने कहा अनटचेबिलिटी ऑफेंस है, जातिवाद ऑफेंस है, संविधान कहता है, लेकिन अनटचेबिलिटी और जातिवाद है। इसका मतलब आगे सुनो साथियों, आगे बाबा साहब ने कहा, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं है, तो वो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। इसका मतलब दूसरी कंडीशन खतरे में जाने की है, बचाने की, जाने की है, संविधान का अच्छे लोगों के हाथों में होना बहुत जरूरी है। अगर संविधान उनके हाथों में है जिनकी मंशा संविधान को लागू करने की नहीं है, तो वो संविधान खतरे में है। तो दो आपके पास में रास्ते बना करके दिए बाबा साहब ने, जिसपे आप लोग चल रहे हो। क्या? या तो समाज में परिवर्तन अगर संविधान को बचाना है, या फिर सत्ता में परिवर्तन, शिक्षित हाथों में तुम्हारा संविधान होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया कि संविधान के खतरे में होने के कारण। ठीक है सर,
प्रॉब्लम आपने बताई, संविधान खतरे में है, कारण मैंने बताए, हमने डाटा कलेक्ट किया, आप लोग उस पे काम कर रहे हो। इस समाज में परिवर्तन के लिए इस देश में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा संगठन काम कर रहे हैं, भारतीय जनता, जिसमें से 1000 को इकट्ठा करने की आपने कवायद शुरू की है। अब साथियों, मैं ब्रीफ करूंगा, मैं ज्यादा समय आपका ले रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ब्रीफ करूंगा। अब ये देखना है, अभी इन्होंने एक बात चल रही थी उपवर्गीकरण की, याद रखना, जाकर के हमको समाज के बीच में रखना है। ऐसे समाज में, ऐसे समाज में उपवर्गीकरण, क्रीमी लेयर का मतलब ये कतई नहीं है कि चमार बिरादरी को गैर चमार से अलग किया जाए, महार बिरादरी को गैर महार से अलग किया जाए। ये तो उन लोगों को, जो लोग मेंटली तैयार हो चुके हैं, जो सामाजिक परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं, जो अवेयर लोग हैं, जो समाज को तैयार कर रहे हैं, उनको क्रीमी लेयर का नाम देकर के आउट कर दिया जाए। ना ये पढ़े, ना नौकरी में जाए। क्या यही वो लोग हैं जो सत्ता परिवर्तन के लिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अगर ये रहेंगे तो सत्ता परिवर्तन का और सामाजिक परिवर्तन का पहिया घूमता रहेगा। ये उसका एक परिणाम आप लोगों के सामने है। अब मैं बात को ब्रीफ करते हुए, बात को कंक्लूड करते हुए, जो रिसर्च की मेथोलॉजी है, मैंने प्रॉब्लम आपने दी, मैंने आपको कारण बताया, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, डाटा मैंने आपके बीच में रखा, अब मैं चाहता हूं एनालिसिस मैंने आपके बीच में करी, अब मैं चाहता हूं निष्कर्ष की तरफ। जब तक इस देश में साहब कांशीराम के तर्ज का व्यक्ति, साहब कांशीराम के रास्ते पे चलकर, साहब कांशीराम का सपना पूरा नहीं करेगा, तब तक ये संविधान खतरे में ही बना रहेगा। तर्ज बताता हूं, मार्ग बताता हूं, उद्देश्य बताता हूं, बात को खत्म करें। परमानेंट सॉल्यूशन तो सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन उसका साधन सत्ता परिवर्तन है। आगे आपको जाने, कभी हमसे बैठ के आप अलग कमरे में बैठ के बात कर लेना, साहब कांशीराम का तर्ज का व्यक्ति का मतलब, साहब कांशीराम को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने वाला हो, गृह त्यागी हो, अविवाहित हो, धन संचय करने की उसके अंदर वृत्ति भर भी परसेंटेज ना हो, धन बहुत खराब चीज है इस मोमेंट के लिए, धन संचय बहुत खराब चीज है, शादी होगी, बच्चे होंगे, आसक्ति आएगी ही आएगी। आप अपनी वाइफ को डिनाई कर सकते हो, अपने माँ बाप को डिनाई कर सकते हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए आप अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढोगे, अच्छे से अच्छी कोठी ढूंढोगे, किराए पे रहोगे तो मकान मालिक बनना चाहोगे, मकान होगा तो कोठी वाला बनाना चाहोगे, कोठी होगी तो फार्म हाउस वाला चाहोगे कि अपने बच्चे को बना के जाऊं, फार्म हाउस आओगे तो फैक्ट्री वाला बनाना चाहोगे, और फैक्ट्री वाले बन जाओगे तो अंबानी अडानी को भी पीछे छोड़ने की चाहत होगी कि मैं अपने बच्चे के शादी में मैं भी 50-100 हजार करोड़ रुपए खर्च करूंगी।
यहीं से शुरू होता है। इसीलिए जैसे हमारे साहब ने भी बताया कि सब लोगों ने घर छोड़ा, साहब कहां से आए, पहले छोड़ दिया। ये आप देखना। दूसरी बात, ये साहब की तर्ज बताई मैंने, साहब की वो मार क्या था, कैडर बेस आपको फौज तैयार करनी पड़ेगी। हाँ हुआ नहीं, बहुत सारे लोग नहीं, ट्रेंड सेना ही हरा सकती है, अनट्रेंड सेना कभी भी युद्ध को नहीं जीत सकती, चाहे उसकी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। उदाहरण तुम्हारे सामने है, विदेश से लोग आक्रमक आए और थोड़े थोड़े मुट्ठी भर सैनिक लेकर के आए, जो ट्रेंड थे, कैडराइज थे, और बड़ी बड़ी सेना को हरा करके चले गए। ये है साहब कांशीराम का मार्ग, और उनका सपना था कि आपका इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो टेम्परेरी फिलहाल का तो सेफगार्ड भारत के संविधान का ये है, सुरक्षा का समाधान ये है। ये तो टेम्परेरी है कुछ समय के लिए, ये तो साधन है, और साध्य जो है वो है सामाजिक परिवर्तन। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए सत्ता का होना बहुत जरूरी है। बहुत सी मूल बातें आपके बीच में अभी और रखनी थी, लेकिन समय का अभाव है। फिर भी जाते जाते एक बात बता करके ब्रीफ करूंगा, कानून से सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, ये भी तो सवाल है। क्या साहब, सामाजिक परिवर्तन कानून से कैसे हो जाता है, कैसे सहयोगी होता है, ये भी तो सवाल है ना साहब कांशीराम के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले मुझको सत्ता चाहिए, बाद में मैं सामाजिक परिवर्तन करूंगा सत्ता के सहयोग से, कहा था। उसे कैसे हो जाती है, कोई भी सामाजिक व्यवस्था पूर्व के कानून का प्रतिफल होती है, कैसे, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, बाद में समझना, अगर दिमाग में अलग कोई दूसरी बात आ जाए, मैं बाद में आपको बता दूंगा कैसे। भारत देश के अंदर मनुस्मृति नाम का कानून था, वो कानून ये कहता था कि शूद्र समाज के पास ये अधिकार नहीं होंगे। मनुस्मृति क्या बोलता है कि ये अधिकार शूद्र समाज के पास नहीं होंगे, शिक्षा का, धन संचय का, एक्सेट्रा, इन पे रोक लगाई जाती है। ऐसा कोई करता पाया गया तो राजा उसको दंडित करेगा। ये किसने कहा, मनुस्मृति नाम के कानून ने रोक लगाई। इसका मतलब मनुस्मृति के संविधान बनने से पहले इस देश में इस वर्ग के पास ये अधिकार थे। तभी तो रोका नहीं, क्यों सर, रोक बस रुक गई, इसका मतलब बस चली हुई थी, बस चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी, इसका मतलब रुकी हुई थी। रोक लगाई, इसका मतलब ये अधिकार थे। भारत देश का संविधान कहता है कि ये अधिकार इस वर्ग के पास भी होंगे। इसका मतलब भारत देश के संविधान से पहले ये अधिकार इस वर्ग के पास नहीं थे। ऐसे चेंज होता है, ऐसे सत्ता चाहिए। इसलिए मैं अपना पूरा घर बार छोड़ करके, ये हमारे मंत्री साहब तमाम लोग जानते हैं, मैंने सबसे पहले साहब कांशीराम की अस्थि को अपने हाथ में उठा करके, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कभी मैं उससे बयान सोचो कि अपने आप को प्रोजेक्ट करके गया जाए, प्रकाश सोचना, दो चार सात साल दस साल, मैंने साहब कांशीराम की अस्थियों को अपने हाथ से उठाया। निगम बौद्ध घाट में मैं उनकी अस्थियों का राख का केयर टेकर था, दिल्ली के निगम बौद्ध घाट में 10 अक्टूबर को, 9 में वो हुआ, 10 को उनका पता
जब उनकी अस्थियां राख ठंडी हो गई, बहन जी ने कहा कि इनको मेरे कोठे पे लेकर के आना, राख को अस्थि को मैंने वहीं पर, जब मुझसे लोग मांग रहे थे कि हमें थोड़ी सी अस्थि थोड़ी सी राख दे दे भाई, तू लड़के तेरा क्या नाम है, मैंने कहा तुम करोगे क्या, बोले इनकी अस्थियों को हम घर में शीशे में सजा के रखेंगे और ये कहेंगे कोई बाहर से आएगा कि ये साहब कांशीराम की अस्थि हमारे घर में रखी है। तब मैंने सोचा एक आदमी इतना बड़ा भी काम कर देता है कि उसकी राख के लिए लोग तरस जाते हैं। तो मैंने अध्ययन किया, मैंने कमिटमेंट किया, उससे पहले मैं जुड़ा हुआ था पार्टी से, मूवमेंट से, तो तब मैंने ये अध्ययन किया, कमिटमेंट किया अपने आप से कि साहब कांशीराम आपकी असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। और मैं वचन देता हूं आपकी तर्ज पर चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना कभी घर वापस जाऊंगा, ना धन संचय करूंगा, आपके रास्ते पे चल के आपने सीएम दिया तो इस देश का प्रधानमंत्री बना करके दूंगा, ये मेरा अपने आप से वचन है। ऐसा होगा, जो हो रहा है मेरी सब चीज पे नजर है, बेफिक्र रहो, मैं बिल्कुल फक्कड़ आदमी हूं, या तो मेरी मौत होगी या तो गोली मार के मरेगा जयप्रकाश, या इस देश का प्रधानमंत्री देकर के मरेगा, ये मेरा कमिटमेंट है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, किसी के लिए हार्ड वर्ड यूज हो गया हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। सम्मानित मंच और ये भारती जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है आप सभी के साथ साथ, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कि आप इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी आपके बीच में बैठेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, जय खुद आपके धन्यवाद। धन्यवाद। आपने साइकोलॉजिकल भाषा में कैसा हमारा संविधान खतरे में है इसके बारे में भी सुन जानकारी दी। हमारे बीच बोध गया से भदंत दीक्षा भूमि जी आए हैं, भारती जी से अनुरोध है कि उनका भारतीय संविधान देकर सम्मान करें ताकि वो भी बुद्ध विहारों से भारतीय संविधान की बात आगे बढ़ाए। तमाम मंच से अनुरोध है कि भदंत दीक्षा भूमि जी बुद्ध गया से आए हैं, उनका मंच सम्मान करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।